बिहार और झारखंड वो दोनों तो एक ही साथ रहा है ना, और बिहार और झारखंड का जो रिश्ता अलग होने पर भी हम लोग उसके पक्षधर थे, और हम लोगों का जो रिश्ता रहा है और झारखंड के लोगों का बिहार से, बिहार के लोगों का झारखंड से, वो कोई अलग नहीं है, एक साथ है। और जब कह रहे हैं कि दो लैंग्वेज को अल्पसंख्यक की बात है, ये तो दोनों राज्य की बात है, ये मालूम ही नहीं है। जो बॉर्डर एरिया है पूरा सोच लीजिए, जो अलग हो गया है बिहार और झारखंड, उसी पूरे बॉर्डर को देख लीजिए, एक तरफ भोजपुरी का बगल में आपको दिख जाएगा और एक मगही, तो खैर आप भोजपुरी एक ही राज्य का है, यूपी में भी नहीं जी, वैसे बिहार और झारखंड एक ही था, वो सब का है। अगर इनके साथ भोजपुरी के साथ और मगही के साथ तो कर रहा था, बताइए तो वो तो उधर भी मगही है, तो ये बात हमको आश्चर्य लग रहा है, भोजपुरी भी उधर है, तो ये बात तो हमको आश्चर्य लग रहा है। और ये सब बात अगर कोई कर रहा है तो हम नहीं समझते हैं कि वो राज्य के हित में कर रहे हैं, वो पता नहीं किस कारण से कर रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। स्वास्तिक जो बना है उसको लेकर के विधानसभा में शताब्दी वर्ष समाज स्तंभ बना है उसमें स्वास्तिक का चिन्ह है, उसको लेकर के स्वास्थ्य तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ट्वीट किए हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष छवि पर सरकार जो है अशोक स्तंभ उसके अशोक चक्र के बजाय स्वास्तिक लगा है जो स्तंभ नया बना है। एक सवाल है सर कि कल वहाँ पर क्या बोलेगा तो करेंगे, और वहाँ के स्पीकर साहब भी वहाँ के सारी बात कर रहे हैं। एक सवाल है सर कि कल प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात, कौन कौन सी क्या ट्वीट आजकल करते रहते हैं, खुद करता कि कोई और कर देता है। एक सवाल है सर कि प्रशांत किशोर से आपकी मुलाकात हुई है, क्या वापसी संभव है जेडीयू में? प्रशांत किशोर से आज का रिश्ता है, एक मिनट, मुलाकात मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं, हम लोग का पुराना संपर्क का संबंध है, राजसभी सिंह से भी मुलाकात हुई है आपकी कल, काहे नहीं होगा तो हमारा पार्टी का तैसा बात करते हैं। एक एक बात आपको लोगों को और बता देते हैं, कल ऐसा मत समझिए कि हमारे यहाँ किसी को है, बहुत लोग भ्रम है, सोच रहा है कि इनका ललन जी का और उनका ऐसा कुछ नहीं है, एकदम गलत फहमी है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों के पार्टी में इधर उधर है ही नहीं कुछ। अब बहुत लोग बहुत तरह अपनी अपनी भाषा बोलता है उसके चलते कोई बात है, ये सब मत सोचिएगा, हम लोगों की पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा तो कोई अलग थोड़े ही है, सब एकजुट हैं एक साथ। नहीं, वो मेंबरशिप का कैंपेन तो समय पर चलेगा, कोई तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है, लेकिन मेंबरशिप ड्राइव जो होता है वो 3 साल में, अभी उसका समय कुछ दिन के बाद आएगा, कुछ महीने के बाद, तो उसी समय होगा शुरू ना, तो यही स्पीक ये बोले होंगे हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्हीं को करना ही है डिक्लेयर, तो जैसे ही हो तो हम लोग तो रेगुलरली करवाते रहे, तो रेगुलरली जब होगा तो उसका समय अभी आएगा, तब उसी समय होगा, उसमें कोई बात नहीं।